इसको आखिरी चरण है चुनाव का। छह चरण में यूपी में भाजपा को हराने का काम जनता ने किया है। आपको यहाँ से बताना चाहिए है भाजपा की जमाना अच्छे दिन आए आपके दिन की बात नहीं कर रहा था। आप गलत समझे, वो तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहा था। उसके बाद अच्छे दिन आ रहे हैं क्या कहते हैं की बात करता आपके दिन को ये झूठ और नफरत को गिराने के लिए ये महान
परिवर्तन बना रहा है और ये महागठबंधन परिवर्तन लाने जा रहा है। इसलिए छह चरण में तो बहुत ऐतिहासिक वोट पड़ा है, पहले चरण से वोट पड़ा है और बताओ बगल में आजमगढ़ है कैसा वोट पड़ा। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये गठबंधन खुशहाली और तरक्की के रास्ते में ले जाना चाहता है। 5 साल और 2 साल में आपने दे दिया, 5 साल और 2 साल में दे दिया, क्या किया है? हमारी माताओं और बहनों ने समाजवादी पेंशन भी छीन ली, जो बच्चों को लैपटॉप होते थे वो भी छीन लिए और बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप खुद चलाना नहीं जाता। इससे काम होते हैं, तरक्की और खुशहाली होती है। इसलिए एक गठबंधन सरकार के तैयार हुआ है। कभी सपना भी जा रहा था कि काम हम लोग जा रहे हैं कि आज भी अंबेडकर जी के साथ मिलकर के काम करेंगे। सभी आपस के लिए मौका नहीं दिया, नहीं बन पाया गठबंधन। उसमें आसान कारागार जी और नेता जी ने यही गठबंधन कराया और जब्त करने का काम। मैं आने का
कि बहुजन समाज पार्टी के सितारे की चिंता समाज के हाथी है अफगान अंसारी को दिखा देना और दूसरी तरफ हमारे समाजवादी पार्टी जिनका समाज अंसारी है सनातन पांडे जी को भी मदद कर देना जिसे दोनों पार्टी क्या है और देश के लिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।